एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। राहुल गांधी ने साधा निशाना, देश को नागपुर से चलाना चाहता है आरएसएस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस देश को नागपुर से चलाना चाहता है। आरएसएस की चाहत है कि देश के संविधान को परे कर दिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि 2019 में पीएम मोदी, बीजेपी और आरएसएस को कांग्रेस हराने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि देश के संस्थान किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं रखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि देश के संस्थान किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, वे देश के संबंध रखते हैं और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वह कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी। वे सोचते हैं कि वे देश से ऊपर है, लेकिन 3 महीनों में उन्हें पता चल जाएगा कि देश उनसे ऊपर है। जाए और उनके चना में उनके बॉस का मोहन भगवत जी पूरे देश को पीछे से चलाएं। नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भगवत जी पीछे से रिमोट कंट्रोल, ये इनकी सोच है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो किसी पार्टी के नहीं है, वो इस देश के इंस्टीट्यूशन हैं और वो सब के सब, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, बाकी पार्टियों की जिम्मेदारी है। और जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आके कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसी लाइन में कहते हैं जस्टिस लोया का नाम लेते हैं और इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को काम नहीं करने दे रहा है, हर इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण करते हैं। ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझते रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश इनको समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है, आप नीचे। तो देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।